नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग, और स्वागत है आपका टेक टॉक 21 के एक और नए एपिसोड में। अगर मैं आपसे कहूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे तो आपका कैसा लगेगा? तो वीडियो कर दीजिएगा जल्दी से लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा आप सब लोग जानते हैं कि 25 फरवरी को जो है वो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि फेसबुक के रिलेटेड जो भी ऐप्स हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप है वो OTT प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी को लेकर एक नए रूल एंड रेगुलेशन उनके लिए बनाए गए और उनको उसके तहत नए रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था। जहां तक बात करें हम कू ऐप की, तो कू ने 2 महीने लगाने के बाद वो रेगुलेशंस अडॉप्ट कर ली थी, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ने अभी तक वो रेगुलेशंस अडॉप्ट नहीं की है। अब देखना ये होगा कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इसको कब तक फॉलो करते हैं। और भारत सरकार ने ये भी कहा है कि इनको ग्रीवेंस के लिए इंडिया में एक अपना सेंटर खोलना पड़ेगा जिसमें नोडल ऑफिसर्स होंगे, कोई हैकर्स होंगे या फिर इंस्टाग्राम की तरफ से कोई ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इंडिया के ग्रीवेंसेस जो है वो सॉल्व की जाए। और साथ ही में उनको डेटा भी देना होगा कि कौन लोग हैं जो गलत मैसेजेस शेयर कर रहे हैं या फिर उन्हें फैला रहे हैं, और वो मैसेज आखिरकार जनरेट कहां से हो रहा है। इस सब का डाटा जो है वो गवर्नमेंट को शेयर करना होगा इन ऐप्स को। कू ने जो है इन रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अब देखने की बात ये है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर कब तक जो है वो चल पाएंगे, और अगर ये नहीं चले तो इनको काफ़ी ज़्यादा जुर्माना जो है देना पड़ सकता है भारत सरकार को। ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं होगा, ये इनकी अब तक की सबसे बड़ी अर्निंग होगी। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं या कोई भी मैसेज या फिर गालियां देते हैं किसी मैसेज में, तो प्लीज़ ऐसा काम करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भारत सरकार ने लॉन्च कर दिए हैं ताकि इन रेगुलेशंस का जो है पालन किया जाए और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो गलत मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं या कोई भी गलत काम किया जा रहा है तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है, क्या हम उन्हें यूज़ कर पाएंगे, क्या वो आगे अपनी रेगुलेशंस को अडॉप्ट करेंगे या नहीं, क्या हम प्लेटफॉर्म ट्रांसफ़र कर पाएंगे यानी कि इन सब को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखने की बात ये होगी कि इन ऐप्स का फ्यूचर क्या होगा। ये तो अब इन फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है ना। तो बस फिलहाल के वीडियो इतना ही, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही फ्रेश टेक अपडेट्स देखने के लिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।